मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6.10 गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है कमला पेडल स्टेशनरी बाइसिकल द पेडल्स ऑफ बाइसिकल आर अटैच्ड टू द हंड्रेड टन कॉइल ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर कॉइल रोटेट एट हाफ अ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब यहां पर हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं आरपीएम की बात कर रहे हैं आरपीएस की बात कर रहे हैं तो 1 आर होगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एट हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो पॉइंट एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल व मैग्जिम वोल्टेज जनरेट इन कॉल तो यहाँ पर ये ए सी जनरेटर का हमारे पास में क्वेश्चन है और ई एम एफ मैगजिम ई एम एफ का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो होता है एन बी ए ओमेगा, एन यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न है बी मैग्नेटिक फील्ड है सेक्शन है और ओमेगा यहां पर एंगुलर स्पीड है तो यहां पर ओमेगा का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा टू पाई एन है ना एन मतलब कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड तो टू पाई एन एन का वैल्यू यहाँ पर वन बाई टू है मतलब कि पाई रेडियन पर सेकेंड हमारे पास में ओमेगा का वैल्यू आता है बाकी सारी वैल्यू हमको पुट करना है तो ई एम मतलब कि मैक्सिमम ईएमएफ जो पीक ईएमएफ जिसको हम कहेंगे है ना मैक्सिमम ईएमएफ या फिर हम कह सकते हैं पीक ईएमएफ। ओके उसका फार्मूला हम यहां पर लिख रहे हैं एन एन यहाँ पर हंड्रेड टर्न्स दे रखे हैं बी का वैल्यू यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो वन दे रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जीरो पॉइंट वन दे रखा है और ओमेगा का वैल्यू पाई दे रखा है तो यहाँ पर ये दो चीज़ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पाई बाई टेन वोल्ट ई एम एफ मिलेगा मैगजीम एम मैगजिम ई एम एफ ओके कभी कभी यहाँ पर आर एम एस ई एम एफ भी पूछते हैं तो रो, रूट टू से हमको डिवाइड करना होता है बड़ा इजी क्वेश्चन था केवल आपको फार्मूला यहाँ पर डिराइव करना है है ना और फार्मूले का डेरिवेशन देखने के लिए आपको ए जनरेटर का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेंगे उसके लिए आपको हमारा डिस्क्रिप्टिव वीडियो जरूर देख लेना चाहिए